दोस्तों, मैं सीए मनोज जैन। जीएसटीआर 3B की टेबल 4, जिसमें हम आईटीसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसको रिसेंटली चेंज किया गया है। हमारा जो वीडियो होगा उस वीडियो में इस इन्फॉर्मेशन को हमने दो पार्ट में कवर किया है। पहला आईटीसी रिवर्सल के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमें एज पर रूल 38, 42, 43 और सेक्शन 17(5) के अकॉर्डिंगली कैसे रिवर्स करेंगे। दूसरा, अदर रिवर्सल में क्या ट्रांजेक्शन आएंगे। फिर जो अदर डिटेल्स हम लोग देंगे, जिसमें कि हमें आईटीसी रीक्लेम्ड और इनएलिजिबल आईटीसी के बारे में बताना है, उसको देते टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं परमानेंट रिवर्सल, जिसे हम रूल 38, 42, 43 और सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के रिवर्सल के रूप में भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, एज ए एसएससी, जब मैं अपना जीएसटीआर 3B फाइल करने जाऊंगा, तो मुझे अपना जीएसटीआर 2B भी चेक करना होगा, क्योंकि जीएसटीआर 3B में जो इन्फॉर्मेशन है जीएसटीआर 2B से ऑटो पॉपुलेट होती है। सितंबर 2022 का मैंने अपना जीएसटीआर 2B चेक किया, जिसमें मुझे 2 लाख रुपये का आईटीसी रिफ्लेक्ट हुआ। ये 2 लाख रुपये का आईटीसी मेरे जीएसटीआर 3B में ऑल अदर आईटीसी में 2 लाख रुपये एज ए आईटीसी क्लेम ऑटो पॉपुलेट होता है फ्रॉम जीएसटीएन से। फ्रेंड, जब मैं इसको चेक करता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि ये इनवॉइजेज मुझसे रिलेटेड ही नहीं है। अगर मैं सेक्शन 16 की कंडीशन पढ़ने जाता हूँ, तो वहाँ पर कंडीशन है, अगर आपको आईटीसी अवेलमेंट चाहिए तो गुड्स और सर्विसेज आपको मिलना चाहिए, इनवॉइजेज आपके पास होनी चाहिए और आपको उसका पेमेंट करना चाहिए विद इन 180 डेज। यहाँ पर क्योंकि ये इनवॉइजेज मुझसे रिलेटेड ही नहीं है, ना तो गुड्स और सर्विसेज मुझे मिलेंगे, ना मैं इसको पेमेंट करूँगा और ना इनवॉइजेज कभी मुझे रिसीव होने वाली है। तो एज ए यूजर, अब मुझे इस पर क्या एक्शन परफॉर्म करना है, मुझे इस 2 लाख रुपये को रिवर्स करना होगा। अब रिवर्सल के लिए मैं कौन सा सेक्शन यूज़ करूँ, मेरे अकॉर्डिंगली रिवर्सल के लिए आपको एज पर रूल 38, 42, 43 और सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 वाला रिवर्सल चूज करना है। क्यों? अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये वाला ट्रांजेक्शन इनमें तो कवर होता ही नहीं है। मैं भी आपसे एग्री करता हूँ, बट बिकॉज सेक्शन 16 की कंडीशन जो ये ट्रांजेक्शन है, इसको ऐसा रिवर्सल बना देती है कि इन फ्यूचर हम कभी भी इसका रिक्लेम नहीं कर सकते, तो मेरे अकॉर्डिंगली ये यहाँ पर ही रिवर्सल होगा। मैन्युअली हमें 2 लाख रुपये लिखने पड़ेंगे। हो सकता है आपका ओपिनियन डिफरेंट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 2 में। ट्रांजेक्शन नंबर 2 में इनवॉइसेस अब हमसे ही रिलेटेड है, लेकिन उसका क्रेडिट नोट वेंडर ने इश्यू किया। क्यों किया? क्योंकि हो सकता है गुड्स हमें रिसीव हुए, बाद में हमें पता चला कि गुड्स डैमेज हैं, हमने वो पूरे के पूरे गुड्स उसको रिटर्न कर दिए। अब इस ट्रांजेक्शन को हम दो तरीके से देखते हैं। पहला तरीका कि इनवॉइस और क्रेडिट नोट सेम मंथ की जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है। जब सेम मंथ की जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो जीएसटीआर 2B इस इनवॉइस को आईटीसी अवेलेबल 2 लाख रुपये से दिखाएगी और सेम जीएसटीआर 2B क्रेडिट नोट आईटीसी रिवर्सल 2 लाख रुपये से दिखाएगी। एक बार हम जीएसटीआर 2B के स्ट्रक्चर को भी समझते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप जीएसटीआर 2B को डाउनलोड करोगे, तो आपको एक टेबल 3 दिखेगी, जिसमें नेट आईटीसी अवेलेबल समरी होगी, और टेबल 4 दिखेगी, जिसमें आईटीसी नॉट अवेलेबल समरी होगी। आईटीसी अवेलेबल समरी टेबल 3 पार्ट ए में डिवाइड होकर आएगी, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपका आईटीसी अवेलमेंट कितना है। पार्ट बी में ये बताया जाएगा कि आपको आईटीसी रिवर्सल कितना करना है। अगर हम हमारे एग्जांपल पर चलते हैं, तो ये जो आईटीसी अवेलेबल 2 लाख रुपये आ रहा है, ये हमारा हो गया पार्ट ए, और जो क्रेडिट नोट रिवर्सल आ रहा है, ये हमारा हो गया पार्ट बी और जीएसटीआर 2B टेबल 3। अब ये सेम जीएसटीआर 3B में ऑटो पॉपुलेट होगा, तो इनवॉइस वाला जो ट्रांजेक्शन है वो ऑल अदर आईटीसी में 2 लाख रुपये रिफ्लेक्ट होगा। क्रेडिट नोट वाला ट्रांजेक्शन है वो टेबल 4B2 अदर रिवर्सल में 2 लाख रुपये रिफ्लेक्ट होगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अगर हम चेक करने जाएं, तो गुड्स रिसीव्ड हुआ, गुड्स रिटर्न हुआ, तो इस वेंडर का बैलेंस जो है वो नील आएगा, हम इसको कोई पेमेंट नहीं करने वाले। तो हमें ये तो पता चल गया कि हमें इसका कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा। बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज जीएसटीएन इसको ऑटो पॉपुलेट कर रहा है। अगर आप देखें, 2 लाख रुपये का आईटीसी अवेलमेंट हुआ, 2 लाख का रिवर्सल हुआ, तो नेट में अगर मैं इस ट्रांजेक्शन को देखूं, तो जीएसटीआर 3B में मैंने आईटीसी क्लेम करी है 0। यहां तक बिल्कुल परफेक्ट है। बस बट फ्रेंड, अगर आप इस ट्रांजेक्शन को देखें, तो ये जो मेरा रिवर्सल है, ये एक्चुअल में परमानेंट नेचर का रिवर्सल है, लेकिन जीएसटीएन इसको ऑटो पॉपुलेट कर रहा है अदर रिवर्सल में। फ्रेंड्स, बिकॉज जीएसटीएन इसको ऑटो पॉपुलेट कर रहा है, तो एज ए यूजर मुझे इस पर कोई भी एक्शन लेना नहीं है, क्योंकि इसको जीएसटीएन ही ऑटो पॉपुलेट करके दे रहा है। बस मुझे ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये टेम्परेरी नेचर का रिवर्सल में दिख रहा है, अदर रिवर्सल में दिख रहा है, मैं इसको आने वाले मंथ में रिक्लेम नहीं करूं,
ये मुझे इंश्योर करना है। फ्रेंड्स, इस ट्रांजेक्शन को अब थोड़ा सा हम ट्विस्ट करते हैं, और जो ये क्रेडिट नोट है उस इनवॉइस से रिलेटेड, वो सब्सिक्वेंट मंथ में रिफ्लेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सितंबर 2022 के अंदर एक असेसी है, उसका 2 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन दिख रहा है जीएसटीआर 2B के अंदर। जीएसटीआर 3B में ये ऑटो पॉपुलेट हुआ, ऑल अदर आईटीसी में टेबल 4 इनवॉइसेस 2 लाख रुपीज। एज ए असेसी मुझे पता है कि मेरे पास में गुड्स रिसीव हुए थे और मैंने इसको रिटर्न भी कर दिए, बट बिकॉज जी वेंडर ने जब रिटर्न फाइल करी जीएसटीआर 1, तब तक वो क्या है कि इनवॉइस जीएसटीआर 1 फाइल कर चुका था और उसको गुड्स रिटर्न की इन्फॉर्मेशन बाद में मिली, तो उसने अपना क्रेडिट नोट रिफ्लेक्ट नहीं किया। अब यहाँ पर जीएसटीआर 3B में 2 लाख रुपए ऑटो पॉपुलेट होंगे, लेकिन मुझे पता है कि मैं ये 2 लाख के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। एक ऑप्शन मेरे पास है कि सितंबर 2022 जो कि अदर रिवर्सल है, जिसे जीएसटीएन तो ऑटो पॉपुलेट नहीं करेगा, मैं मैन्युअली एडजस्टमेंट कर दूँ और रिवर्सल कर दूँ 2 लाख रुपए, जो ये आईटीसी का क्रेडिट नोट आने वाला है, इनवॉइस का क्रेडिट नोट आने वाला है। और अक्टूबर 2022 में जब जीएसटीआर 1 में वेंडर उस क्रेडिट नोट को रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो मेरे जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होगा और 3B में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा अक्टूबर 2022 अदर रिवर्सल में। तो बिकॉज मैंने सितंबर 2022 में ऑलरेडी रिवर्सल कर दिया है, तो डबल रिवर्सल नहीं हो इसके लिए मुझे इसको जीरो करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको मैनुअल एडजस्टमेंट करने हैं। अगर इस मैनुअल एडजस्टमेंट से हमको बचना है, तो मेरा ओपिनियन है कि जब सितंबर 2022 में ऑल अदर आईटीसी में ये 2 लाख रुपए रिफ्लेक्ट हो रहा है, जबकि हमको पता है कि इसका क्रेडिट नोट इश्यू हो चुका है, मतलब कि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपना रिवर्सल कर दिया है, मैं इसको क्लेम कर लेता हूँ। और अक्टूबर 2022 में जब वेंडर अपलोड करेगा जीएसटीआर 1 में क्रेडिट नोट और ये ऑटोमेटिकली जीएसटीआर 3B में रिफ्लेक्ट होगा, तो मैं इसको कुछ भी नहीं करूंगा, इसको मैं ऑटोमेटिकली 3B के टाइम पर जब आईटीसी जब मेरा क्लेम होगा, तो ऑटोमेटिकली वहां पे 2 लाख रुपए मेरा रिवर्सल हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस तरीके से क्या होगा कि अगर सितंबर मंथ में सपोज कीजिए 5 लाख रुपए के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का हमें पेमेंट करना है, तो 2 लाख रुपए का आईटीसी मुझे मिल जाएगा, तो नेट में मुझे 3 लाख रुपए ही कैश में पेमेंट करने पड़ेंगे। अगर मैं ये 2 लाख रुपए अवेल नहीं करूंगा, तो 5 लाख रुपए का आईटीसी और 5 लाख रुपए का टैक्स लाइबिलिटी मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। तो डिसीजन आपको लेना है, इंटरनली डिस्कस कीजिए। अब हम आते हैं बात 42, 43 के परमानेंट रिवर्सल पर। फ्रेंड्स, 42, 43 इनपुट इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स के बारे में है, जो ये बताता है कि अगर आपने पार्शली इनको बिजनेस पर्पस के लिए और पार्शली अदर पर्पस के लिए यूज किया है, तो अदर पर्पस से रिलेटेड आपको आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा। इसी प्रकार से पार्शली आप टैक्सेबल सप्लाई के लिए, पार्शली इफेक्टिव एग्जम सप्लाई के लिए यूज कर रहे हो, तो एग्जम सप्लाई से रिलेटेड आपको इनपुट रिवर्सल करना पड़ेगा। लेकिन जीएसटीआर ये रूल ये भी बोलते हैं कि ये जो रिवर्सल है आपको मंथली जीएसटीआर 3B के अंदर बताना है, फिर ईयर एंड खत्म हो जाए तो आप इसको अगेन रीचेक कीजिए, और उसमें अगर आपने कोई ज्यादा रिवर्सल कर दिया है तो रिक्लेम कर लीजिए, कम रिवर्सल किया है तो और रिवर्सल कर दीजिए सब्सिक्वेंट मंथ की जीएसटीआर 3B के अंदर। सो अगर अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के बीच में हमने कोई रिवर्सल किया है जीएसटीआर 3B में रिलेटेड टू 42, 43, तो हम उसको चेक कर सकते हैं अप्रैल 2022 से 20 अक्टूबर 2022 तक के टाइम पीरियड के बीच में, और नेसेसरी चेंजेस कर सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं जीएसटीआर 3B में कैसे दिखाएंगे। एक असेसी है, उसने जीएसटीआर 3B में अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 तक 10 लाख रुपए का आईटीसी रिवर्सल किया टूवर्ड्स रूल 42 और 43। सितंबर 2022 में इसको वापस चेक किया, क्योंकि हमको जीएसटी लॉ अलाउ करता है, और उसने चेक करने के बाद में ये पता चला कि ये जो एक्चुअल रिवर्सल होना चाहिए था वो 8 लाख रुपए का है, तो उसने 2 लाख रुपए का एक्सेस रिवर्सल कर दिया। अब हम इस 2 लाख रुपए को वापस से रिक्लेम कर सकते हैं क्या? अब वापस से हम इस रिवर्सल वाले सेक्शन में आते हैं, जिसके अंदर दो पॉइंट है कि ये जो रिवर्सल होता है ये जीएसटी नोट पॉपुलेट नहीं करता है, ये हमको ही बताना है। दूसरा, हम बोलते हैं कि ये जो रिवर्सल होता है परमानेंट इन नेचर होता है, मतलब एक बार रिवर्सल कर दिया तो इन फ्यूचर हम इसको रिक्लेम नहीं कर सकते। बट मेरा ओपिनियन यहाँ पर डिफरेंट है। अगर जीएसटी लॉ में मुझे कोई प्रोविजन अलाउ करता है कि मैं जो रिवर्सल किया है उसको वापस से रीचेक करूं और ये एडजस्टमेंट करूं, मेरे हम्बल ओपिनियन के अकॉर्डिंगली ये जो 2 लाख रुपए का एक्सेस हुआ है, अगर मैं सितंबर 2022 की रिटर्न भरूंगा और वहां पर मेरे को ये पता चला, तो मैं सितंबर 2022 की रिटर्न में ऑल अदर आईटीसी के अंदर इस 2 लाख रुपए को क्लेम कर सकता हूँ, मुझे कोई भी
प्रॉब्लम नहीं होगी, अगेन इंटरनल चेक कीजिए। अब हम बात करते हैं टेम्परेरी रिवर्सल के ऊपर। टेम्परेरी रिवर्सल में सपोज कीजिए मुझे जीएसटीआर 3 भी फाइल करनी है, मैंने जीएसटीआर 2 भी चेक करी, मुझे पता चला 2 लाख रुपए की इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट हो रही है, ITC रिफ्लेक्ट हो रही है। जब मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चेक किया तो मुझे पता चला कि इसका तो GRI नहीं बना अभी तक, मतलब गुड्स ही रिसीव नहीं हुए, तो मेरी कोई बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं हुई। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं हुई तो सेक्शन 16 को हमको फिर से चेक करना पड़ेगा। सेक्शन 16 कहता है कि अगर आपको ITC लेना है तो गुड्स और सर्विसेज रिसीव होने चाहिए। सो अगेन यहाँ पर 2B में 2 लाख दिख रहे हैं, ऑटो पॉपुलेट हो रहा है GSTR 3B के अंदर, ऑल अदर ITC में, बिकॉज सेक्शन 16 की कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ, तो एज ए यूजर मुझे इसको रिवर्स करना होगा। इस बार जो रिवर्स करना होगा वो अदर रिवर्सल में करना होगा, मैनुअली एडजस्टमेंट करना है। फ्रेंड सिचुएशन 2 पर आते हैं हम टेम्परेरी रिवर्सल के, वो होती है कि एक बार मैंने अगर ITC ले लिया और वेंडर को पेमेंट नहीं किया 180 डेज के अंदर, तो मुझे उस ITC को रिवर्सल करना होगा, जिसको रूल 37 के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स इसको हम एक एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। सपोज कीजिए अप्रैल 2021 की एक इनवॉइस है 10 लाख रुपये की, अगस्त 2022, अगेन मैं बोलता हूँ अगस्त 2022 तक हमने उसका क्रेडिट क्लेम नहीं किया। अगर हम देखेंगे तो इस इनवॉइस को 1.5 ईयर ऑलरेडी हो चुके हैं, बिकॉज हमने क्रेडिट क्लेम नहीं किया है तो आप इसको रिवर्स मत कर दीजिए। रिवर्स करने की कंडीशन यही है कि अप्रैल 2021 की इनवॉइस ऑलरेडी किसी GSTR 3B के अंदर ITC क्लेम में चली गई है। सपोज कीजिए जी अप्रैल 2021 को हमने सितंबर 2022 में क्लेम किया। फ्रेंड्स अगर 20 सितंबर तक आप इस अप्रैल 2021 से रिलेटेड इनवॉइस का पेमेंट कर देते हो तो आपको कोई भी रिवर्सल नहीं करना है और आपको कोई भी इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करना है। सपोज 20 सितंबर तक आपने इसको क्लेम कर लिया और आपने इसका पेमेंट 28 सितंबर को किया, तो अगेन 20 अक्टूबर 2022 को जब आप अपनी GSTR 3B भरोगे तो इसको रिवर्सल नहीं करना है क्योंकि आपने पेमेंट ऑलरेडी कर दिया। यहां पर आपको 8 दिन का इंटरेस्ट जो है आपको दिखाना पड़ेगा। सितंबर 2022 को आपने क्लेम किया और 20 अक्टूबर 2022 तक आपने इसका पेमेंट नहीं किया है अप्रैल 2021 की इनवॉइस का, तब आपको रिवर्सल करना है। इस कंडीशन में भी जो आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना है वो आपको एक मंथ का ही करना है, क्योंकि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जो होता है वो ITC यूटिलाइजेशन से होता है, इनवॉइस डेट से नहीं होता है। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं GSTR 3B में इस ट्रांजेक्शन को कैसे दिखाएंगे। फ्रेंड्स आपको ये समझना चाहिए कि जब ये ITC रिवर्सल होगा तो इस ट्रांजेक्शन का कोई भी रेलेवेंस GSTR 2B से नहीं है, ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट होगा, मैनुअल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगेन मैं रिट्रेट करूंगा कि 180 डेज का रिवर्सल तभी होगा जब आपने कोई इनवॉइस का ऑलरेडी ITC GSTR 3B में क्लेम कर लिया है, सेक्शन 16 इसको डिफाइन करता है। अब हम चलते हैं टेम्परेरी रिवर्सल सिचुएशन 3, इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। आपके GSTR 2B के अंदर क्रेडिट नोट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आपसे रिलेटेड है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है इनका रिवर्सल करना है। नहीं, आपको ध्यान रखना है कि ये जो क्रेडिट नोट रिफ्लेक्ट हो रहा है इससे रिलेटेड जो इनवॉइसेस है उसका ITC मैंने क्लेम किया है तभी मुझे रिवर्सल करना है। अगर मैं इसको एक एग्जांपल से समझूं, सपोज करो एक वेंडर है, उसने मार्च 2022 की अपनी GSTR 1 भरी, मार्च 2022 में मुझे एक इनवॉइस रिफ्लेक्ट हुई 2 लाख रुपए की, जो कि GSTR 3B में ऑल अदर ITC में दिख रही थी, जिसको मैंने मार्च 2022 में क्लेम कर लिया। इसी इनवॉइस से रिलेटेड क्रेडिट नोट सितंबर 2022 के अंदर वेंडर ने फाइल किया, बिकॉज मैंने इससे रिलेटेड इनवॉइसेस को ऑलरेडी क्लेम कर लिया है तो ये जो 2 लाख रुपए मेरा ऑटो रिफ्लेक्ट होगा सितंबर 2022 की 3B में, तो मुझे इसको रिवर्स करना है। अगर मैंने ये इनवॉइस का क्लेम नहीं किया होता तो मुझे अगेन मैनुअल एडजस्टमेंट करके इस रिवर्सल को जीरो दिखाना होता। फ्रेंड्स अब हम चलते हैं सिचुएशन 2 पर, जहां पर क्रेडिट नोट हमसे रिलेटेड नहीं है। सितंबर 2022 की GSTR 2B मैंने डाउनलोड की, मेरे को अमाउंट दिखा 2 लाख रुपए ITC अवेलेबल, और मैंने चेक किया ITC रिवर्सल में तो 10 लाख रुपए का अमाउंट दिख रहा है।
अब 10 लाख रुपए को जब मैंने क्रेडिट नोट को चेक किया तो पता चला कि ये वेंडर तो मेरे से रिलेटेड ही नहीं है, इसने पता नहीं कैसे 10 लाख के क्रेडिट नोट अपलोड कर दिए। इस केस में क्या होगा कि GSTR 3B में जो इनवॉइस का अमाउंट है ऑल अदर ITC में रिफ्लेक्ट होगा, उसको तो हमें कुछ भी नहीं करना है। लेकिन 4B2 ये जो क्रेडिट नोट रिफ्लेक्ट होंगे 10 लाख के, इसको हमको मैन्युअली एक्शन लेना है और इसको जीरो करना है। अगर हमने इसको जीरो नहीं किए तो पता है क्या होगा, 10 लाख रुपए का रिवर्सल, 2 लाख का एलिजिबल, हमारे ऊपर 8 लाख की लाइबिलिटी बन जाएगी और हमको उसको पेमेंट करना आ जाएगा। तो फ्रेंड ध्यान रखिए। तीसरी सिचुएशन में चलते हैं जहाँ पे क्रेडिट नोट को अमेंड किया गया है। सपोज मार्च 2022 के अंदर एक वेंडर ने 10 लाख रुपए के क्रेडिट नोट हमें दिखाए। GSTR 3B जब मैंने मार्च 2022 की फाइल करी तो वो मेरे अदर रिवर्सल में रिफ्लेक्ट हो रहे थे, जिसको मैंने अपने GSTR 3B में 10 लाख रुपए रिवर्सल दिखा दिए। हमारा उस वेंडर से डिस्कशन हुआ, बाद में पता चलता है कि ये 10 लाख रुपए का अमाउंट एक्चुअल में 8 लाख का है। अब वेंडर ने GSTR 1 में, सितंबर 2022 की GSTR 1 में इस क्रेडिट नोट को 10 लाख की जगह 8 लाख दिखा दिया, तो ये मेरे GSTR 2B में 8 लाख रुपए रिफ्लेक्ट होने लगा। अब मेरा क्या है कि GSTR 3B सितंबर 2022 का टेबल 4B2 अदर रिवर्सल में 2 लाख रुपए नेगेटिव वैल्यू के साथ में रिफ्लेक्ट होगा। तो फ्रेंड क्योंकि मैंने 10 लाख रुपए ऑलरेडी एक्सेस रिवर्सल कर दिए थे जबकि मुझे 8 लाख करना चाहिए था, तो ये जो 2 लाख रुपए है इसे मैं ऑल अदर ITC में क्लेम कर सकता हूँ। फ्रेंड्स मेरा इसमें यही ओपिनियन रहेगा कि जब भी कभी ऐसा कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसमें हमें वेंडर से डेबिट नोट लेना चाहिए। ओनली टैक्स अमाउंट का डेबिट नोट भी हम GSTR 1 में अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि ये मैनुअल ट्रैकिंग और एडजस्टमेंट से बचा जा सके। अब हम बात करते हैं अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स में पहली हमको जो डिटेल्स दिखानी है वो दिखानी है इन एलिजिबल ITC अंडर सेक्शन 16(4) ITC रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू POS रूल्स। जैसे कि हमने GSTR 2B देखी थी, तो GSTR 2B देखने के बाद में हमें टेबल 4 में ये दिखाता है कि ITC नॉट अवेलेबल समरी GSTN हमें प्रोवाइड कराता है GSTR 2B में। सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 बोलता है कि आपकी ITC लेने की जो ड्यू डेट है, जो लास्ट ड्यू डेट है, वो खत्म हो गई है, आप ITC के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो ये एक परमानेंट नेचर का ट्रांजेक्शन हो गया। इनवॉइस और डेबिट नोट जिसमें वेंडर ने प्लेस ऑफ सप्लाई गलत डाल दी, सपोज मैं महाराष्ट्र में रजिस्टर हूँ, उसने महाराष्ट्र की जगह दिल्ली का डाल दिया, तो यहाँ पर मैं एलिजिबल नहीं होगा ITC लेने के लिए। सो फ्रेंड्स ये जो है हमारा GSTR 2B में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, हमको यहाँ पर फिल करना है। लेकिन ध्यान रखिए कि जो POS रिलेटेड इंफॉर्मेशन गलत कैप्चर कर दी आपके वेंडर ने, उसको करेक्ट करवाइए जिससे कि आप इस ITC को ले सके। अब बात आती है ITC रिक्लेम विच वॉज रिवर अंडर टेबल 4B2, जो कि टेम्परेरी रिवर्सल अभी जो हमने डिस्कस किया। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि इस कॉलम में जो भी आप अमाउंट डालोगे उसको आपने रिवर्सल किया हुआ होना चाहिए आपके प्रीवियस GSTR 3B के अंदर। और जब भी आप इसमें अमाउंट डालोगे तो इस अमाउंट को आप ध्यान रखिए कि ऑल अदर ITC के कॉलम में आपको दिखाना है, क्योंकि आप इसको एलिजिबल हो रिक्लेम्ड करने के लिए। फिर आपको ध्यान रखना है कि जो 4B2 टेम्प्रेरी रिवर्सल है उसमें जो रिवर्सल किया है वही अमाउंट यहाँ पर आए। लेकिन इसमें अंदर एक एक्सेप्शन है जिसको रूल 42, 43 जो अभी हमने देखा कि अगर हम सब्सिक्वेंट मंथ में रिवर्सल करते हैं सो वो परमानेंट रिवर्सल होगा, लेकिन उसको हमको रिक्लेम्ड हम लोग कर सकते हैं। तो ये एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है। और इस तरीके से जो GSTR 3B न्यू चेंजेस के साथ में ITC इंफॉर्मेशन मांगती है, आप इन पॉइंट को कंसिडर करेंगे तो मेरे हिसाब से आप की जो इन्फॉर्मेशन है एकदम राइट जाएगी। फ्रेंड्स मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो को देख के अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।